हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल फाइव स्टूडियो में। दोस्तों, मेरे पास आज नोकिया का 1086 मॉडल है, मतलब 2.1 मॉडल है। दोस्तों, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। इस FRP लॉक को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे, फुल वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले अपने फ़ोन को अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए। मैं अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। दोस्तों, इस फ़ोन का FRP को बाईपास करने के लिए ना तो किसी एप्लीकेशन का ज़रूरत है, ना तो और कुछ का ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें एक सेटिंग का ज़रूरत होती है। दोस्तों, मैं आपको आसान तरीका दिखाऊंगा, फुल वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ इसमें FRP लॉक है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, वेरीफाई योर अकाउंट हो रहा है। अगर आपका पैटर्न मालूम है तो आप दे सकते हैं, फिर भी बाईपास हो जाएंगे। अगर आपका जीमेल आईडी मालूम है तो फिर भी आप जीमेल आईडी दे के भी इसको बाईपास कर सकते हैं। ये देखिए, वेरीफाई और अकाउंट। तो दोस्तों, इसको सिंपली बैक करना है। इसको बैक कर लीजिए। अब यहाँ ऐड नेटवर्क पे जाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ समझने की बात है, ये जो आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, इस आइकॉन को एक बार क्लिक करना है। ये देखिए, कोई ऑप्शन आया नहीं, तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये होता क्या है, कभी कभार ये आता नहीं है, तो मैं यहाँ थोड़ा बैक करूँगा, फिर दोबारा कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुआ तो फ़ोन को रिस्टार्ट करूँगा। मैंने पूरा बैक कर लिया, फिर दोबारा कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आ गया। देखिए, लाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं देता। सबसे नीचे वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा से उस आइकन पर क्लिक करना है, फिर सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये देखिए, फिर क्लिक करना है वही ऑप्शन पे, तो इलावा आ जाएंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए नीचे इलावा आ चुका है। इसको क्लिक करते ही आप सेटिंग के वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें ये आपको सर्च बार में सेटिंग लिखना है, SET। ये देखिए नीचे आ गया। तो अब नीचे स्क्रॉल करना है। ये देखिए, नीचे सेटिंग्स आ चुका है। तो इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ओपन सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी में जाना है। तो मैं सिक्योरिटी में बाद में जाता हूँ, अबाउट में जाकर आपको दिखा देता हूँ इसका वर्जन क्या है। ये देख सकते हैं, नोकिया 2.1 है। तो मैं इसको बैक करता हूँ और सिक्योरिटी में जाता हूँ। दोस्तों, आपको सिक्योरिटी में जाने के बाद सिर्फ जो पैटर्न था, उस पैटर्न को तो आपको मालूम नहीं था, इसीलिए आपको यहाँ से लॉक लगा लेना है। इसको ऑन कर लीजिए, नीचे को भी ऑन कर लीजिए। तो ये देखिए, लॉक का ऑप्शन आ चुका है। पैटर्न भी दे सकते हैं और पासवर्ड भी दे सकते हैं, मैं पैटर्न ही दूँगा। मैं सीधा यहाँ राइट लगा देता हूँ। दोबारा से दीजिए कंफर्म करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इतना से ही काम था इस फ़ोन का। अब फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जो लॉक लगाया, इसी लॉक से ही जहाँ वेरीफाई योर पैटर्न मांग रहा था वहाँ दे दूँगा, तो ये बाईपास हो जाएंगे। तो हम इस फ़ोन को रिस्टार्ट होने दीजिए। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, वही लॉक मांग रहा है, तो मैं इसको भी लॉक दे देता हूँ। ये लॉक देते ही रिस्टार्ट पे क्लिक कीजिए।
जो लॉक आपने डाले थे वही मैं दे देता हूँ। देखिए मैंने दिया, ये बाईपास हो चुका है दोस्तों। दोस्तों आप नेक्स्ट करके आप पूरा सेटअप कर लीजिए। ये देखिए नीचे इसका बुटन भी आ चुका है दोस्तों। यहाँ एक जीमेल आप क्रिएट भी कर सकते हैं या तो स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब देखिए ये नया फोनों की तरह आपको नेक्स्ट करके पूरा सेटअप कर लेना है। ये देखिए दोस्तों ये बाईपास हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक यू।